पीरियड्स वाली मैडम रंजना कक्षा 8 के बच्चों को पढ़ा रही थी। अचानक फर्स्ट बेंच पर बैठने वाली छात्रा कनक जोर से बोली, मैडम आपकी साड़ी में खून लगा है। खून? ओके ओके, तुम लोग बैठ जाओ, मैं अभी आती हूँ। रंजना को समझ में आ जाता है कि उसे पीरियड्स हुए हैं। हे भगवान, मुझे लगता है मैडम को कैंसर हो गया है। जब मेरी मौसी को कैंसर हुआ था तो उनके शरीर से कहीं से भी ब्लीडिंग होने लगती थी। अब तो मैडम मर जाएगी। अरे तो क्या हुआ, आजकल तो हर बीमारी का इलाज होता है। पागल है, मुझे नहीं लगता। ये मैडम की लास्ट स्टेज है, देखना कितनी वीक नजर आती है। रंजना स्टाफ रूम में जाकर अपनी साड़ी साफ करती है और सैनिटरी पैड यूज करके वापस क्लास में आ जाती है। कनक अपने घर में अपनी मम्मी को ये बताती है, मम्मी उसकी चाची से, ये देखो आजकल स्कूलों में क्या हो रहा है, टीचर्स को भी जरा भी तमीज नहीं है। अब इन बच्चों के प्रश्नों का क्या उत्तर दूं? बेटी कनक भी बड़ी हो गई है, उसे भी किसी दिन इन सब चीजों का सामना करना पड़ सकता है, उन्हें ये सब बताती क्यों नहीं? राम राम राम, मैं अपनी बेटी से ये सब बातें नहीं करूंगी। अरे हमें किसी ने कुछ नहीं बताया था, सब अपने आप समझ में आ जाता है, लेकिन उस टीचर की तो खबर लूंगी जरूर। अगले दिन कनक की माँ कनक की क्लास टीचर रंजना से मिलने आती है। क्यों रंजना मैडम, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? अरे कोई छोटी बच्ची हो तो भी ठीक है, इतनी उम्र में आप इस तरह से आ जाती हैं और हमें बच्चों को जवाब देना पड़ता है। लेकिन मिसेस तिवारी, अब तो समय है, आपको अपनी बेटी को इन सब बातों के बारे में बताना चाहिए। अरे रहने दीजिए, मैं अपनी बेटी को इस तरह की बातों में नहीं डालना चाहती। कह देती हूँ, दोबारा अगर मेरी बेटी ने ऐसे प्रश्न पूछे तो मैं प्रिंसिपल से आपकी शिकायत लगाऊंगी। मैडम हैरान हो जाती है। वो अपनी क्लास में जाती है तो कनक उनके पास आती है और कहती है, मैडम मम्मी बहुत बुरी है, आप दुखी मत होना। अरे नहीं, चलो बुक निकालो, क्या बात है, क्लास में क्या खुसुर फुसुर हो रही है, चलो क्लास शुरू करो। सभी बच्चे चुपचाप रंजना की तरफ दुख भरी दृष्टि से देखने लगे। रंजना को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। क्लास खत्म होने के बाद हर जगह ये बात फैल गई थी कि रंजना को कैंसर हो गया है। अगले दिन जब रंजना स्कूल आई तो सभी टीचर उससे बात करने लगे। अरे रंजना जी, आपने हमें बताया नहीं, अगर कभी भी कोई जरूरत हो तो हमें बताइएगा, आखिर हम आपके सहयोगी हैं। अरे रंजना, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, ये कैसे हो गया, जब से सुना हैरान हो गई हूँ। रंजना तुम्हें कमजोरी तो नहीं हो रही? आप हमें अपने से अलग क्यों समझती हैं? इस समय हम सब आपके साथ हैं और आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, मैं तो अच्छी भली हूँ, आप लोग बेकार में ही परेशान हो रहे हैं। रंजना जी, कल क्लास में आपके साथ जो हादसा हुआ उसके बाद से सारे स्कूल में पता चल चुका है कि आपको क्या हुआ है, अब छुपाने की कोई जरूरत नहीं। हेल, ये भी कोई बात है सिंपैथी दिखाने की? आप लोग को शर्म नहीं आती क्या, एक लड़की से इस तरह बात करनी चाहिए? मेरे पीरियड्स हुए हैं, क्या इसके लिए मुझको ढिंढोरा पिटवाना पड़ेगा? सब लोग अपनी क्लास में चले जाते हैं। रंजना अपनी क्लास में जाती है तो सभी बच्चे बिल्कुल शांति से चुपचाप बैठकर अपना काम करते हैं, कोई भी रचना को परेशान नहीं करता। ये सब हो क्या रहा है, बस पीरियड से तो हुए हैं, ये लोग ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे मुझे ना जाने क्या हो गया है। कनक को बुलाती हूँ, वही बताएगी। कनक जरा इधर आना बेटा। यस मैडम। अरे अरे अरे, तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ बताओ ना, तुम्हारी तबीयत खराब है? नहीं मैम, मुझे पता चल चुका है, सबको पता चल चुका है कि आपको कैंसर हो गया है। क्या, ये क्या बकवास है, किसने कहा मुझे कैंसर हो गया है? मैडम आप छुपाइए मत, मौसी को भी जब कैंसर हुआ था तो उनके कपड़े में ऐसे ही खून लग जाता था, मम्मी बहुत रोती थी, और फिर एक दिन मौसी हमें छोड़कर हमेशा के लिए भगवान के पास चली गई। तो ये बात है, यानी कि पूरे स्कूल में तुमने सबको बताया है कि मुझे कैंसर हो गया और मैं मरने वाली हूँ। देखो कनक, मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये पीरियड्स हैं और ये हर लड़की को होते हैं। नहीं मैम, हमें तो नहीं होते, क्लास में किसी को भी नहीं होते। चलो छोड़ो, मैं उसके बारे में तुम्हें बाद में बताऊंगी, बस इतना जान लो कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब हम लोग क्लास शुरू करते हैं। अगले दिन जब कनक फुटबॉल मैच देखने स्टेडियम गई तो अचानक उसके पेट में दर्द होने लगा। वो बाथरूम गई तो वहाँ एक लड़की उसे देखकर बोली, ए सुनो, तुम्हारी पूरी स्कर्ट पर ब्लड लग गया है, पता नहीं कितनी बेशर्म है ये लड़कियाँ, लगता है माँ बाप इन्हें कुछ भी नहीं सिखाते। कनक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो तेजी से वहाँ से भागने लगी तो उसे रास्ते में दो लड़के मिले तो उसी का मजाक उड़ाते हुए बोले, ये देखो मिस पीरियड। खूनी लड़की।
कनक स्टेडियम के पास रखे बड़े से डस्टबिन के पीछे छुप गई। तभी वहाँ पर एक लड़का जिसका नाम शांतनु था आया और बोला, अरे अरे अरे, तुम रो क्यों रही हो? परेशान क्यों? क्या हो गया? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? आखिर बात क्या है, बताओ ना, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। डरो नहीं, मैं पास में रहता हूँ। नहीं नहीं, तुम भी मुझे उन लड़कों की तरह सताने आए हो, चले जाओ यहाँ से प्लीज। ये लड़के तुम्हें परेशान क्यों कर रहे हैं? क्या ये तुम्हें जानते हैं? मैं तुम्हें घर छोड़ाता हूँ। तुम नहीं समझोगे, मैं घर नहीं जा सकती, मेरी स्कर्ट पर ब्लड लग गया है, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। ओह, क्या तुम्हें पीरियड्स हुए? लगता है तुम्हें पहली बार पीरियड्स हुए। तुम सब जानते हो पीरियड्स के बारे में? क्यों, तुम्हारी मम्मा ने नहीं बताया तुम्हें? मेरी मम्मा ने कहा कि इन दिनों लड़कियों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो काफी पेन और मूड स्विंग से गुजरती हैं, उन्हें पैड्स यूज करने पड़ते हैं। काश माँ ने मुझे ये समझाया होता। शांत, तो मेरे पास पैड्स नहीं है, भला मैं कैसे जाऊंगी? मेरी स्कर्ट भी खराब हो गई है, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। अरे तुम घबराओ मत, मेरा घर पास में ही है, मम्मा तुम्हारी मदद जरूर करेंगी। कनक उसके साथ घर जाती है। मम्मा प्लीज यहाँ आइए, ये कनक है, ये फुटबॉल ग्राउंड में रो रही थी और सभी लड़के से परेशान कर रहे थे। क्यों, क्या हुआ? अरे कनक, तुम शांतनु के साथ इतनी घबराई हुई, क्यों, क्या हुआ? रंजना मैम, आप माँ, इसके पहले पीरियड्स आ गए, इसके पास पैड्स भी नहीं है और इसकी स्कर्ट भी खराब हो गई है, सभी मूर्ख लड़के इसे चिढ़ा रहे थे, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। मुझे तुझ पर गर्व है बेटा, काश सभी लड़के तुझ से होते तो दुनिया में लड़कियों को इतनी जिल्लत का सामना ही नहीं करना पड़ता। जा इसे अलमारी से पैड और अपनी बहन सुकिरण की स्कर्ट ला कर दे दे। जाओ कनक, डरो नहीं, शांतनु तुम्हें ऑटो तक छोड़ाएगा। आगे से अपने बैग में हमेशा पैड्स रखना, और पीरियड्स कोई शर्मिंदगी की चीज नहीं, इसलिए किसी के सामने शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। कनक घर पहुंचकर सारी बातें अपनी माँ को बताती है। सब सुनकर माँ को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो कनक के साथ रंजना मैडम के घर आती है और माफी मांगते हुए कहती है, रंजना मैडम मुझे माफ कर दीजिए, अगर आपने कनक की सहायता नहीं की होती तो उसे बहुत शर्मिंदा होना पड़ता। आप सच कहती हैं, अगर मैंने समय पर कनक को ये सब बता दिया होता तो उसे शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती। आंटी, मम्मी ने केवल ये मेरी बहन को ही नहीं बल्कि मुझे भी बताया, ताकि मैं लड़कियों की इज्जत कर सकूं, उनका मजाक नहीं उड़ाऊं, क्योंकि पीरियड्स कोई शर्मिंदा होने की चीज नहीं होती बल्कि एक बिल्कुल सामान्य चीज होती है। रंजना मैम, सचमुच आपके यहाँ आकर मेरी आंखें खुल गई, मैं भी अपने बेटे को इस बारे में बताऊंगी ताकि वो लड़कियों की इज्जत करना सीख सके और उनकी तकलीफ को समझ सके। कनक की मम्मी कनक को लेकर घर चली जाती है और उसके बाद अगले दिन रंजना मैम उनसे बात करके लड़कियों को होने वाली पीरियड्स के बारे में भी क्लास देना शुरू कर देती है, ताकि किसी भी लड़की को कभी भी शर्मिंदा ना होना पड़े और पीरियड्स वाली मैडम के नाम से फेमस हो जाती है। आज तुम आए नहीं, कल अगर नहीं आए तो जॉब से तुम्हें निकाल दूंगा मैं, समझे? पीरियड्स में कैसे जाए कोई ऑफिस, इस बॉस को जरा भी दया नहीं है। अरे कनिका यार, ये स्टेन हर जगह लग जा रहे हैं। पीरियड्स वाला पति। सुनील अपने परिवार के साथ गांव में रहता था। वो दिमाग का बहुत ही तेज और तर्रार था। पढ़ाई पूरी करने के बाद पैरवी लगाकर सुनील ने शहर में नौकरी पा ली और अपने परिवार के साथ शहर में रहने लगा। सुनील गांव से शहर तो आ गया था, पर उसकी सोच में कोई बदलाव ना आया। अरे प्रभा, ये क्या यहाँ दीवार के सहारे खड़ी हो? लगता है आते ही बॉस को गुस्सा दिलाने का सोच लिया है तुमने। तुम समझते क्यों नहीं हो सुनील? उफ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जाओ और जरा नेहा को मेरे पास भेज दो प्लीज। जाओ और खुद ही उसे बुला लो। पढ़े लिखे गवार हो तुम, गवार। ये कहकर दीवार के सहारे बड़ी मुश्किल से प्रभा अपने दुपट्टे से खुद को ढके बाथरूम की ओर बढ़ने लग जाती है कि तभी उसका दुपट्टा फिसल जाता है और सभी की नजरों में उसका पीरियड स्टेन आ जाता है। ओह गॉड, प्रभा तुम्हें तो बवासीर है। पूरे ऑफिस में सुनील के अलावा किसी के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। सुनील को हंसता देखकर सब हैरान थे। यू आर इम्पॉसिबल सुनील। सुनील की सोच से सभी परेशान थे। गांव से वो शहर तो आ गया था, पर उसकी सोच बहुत ही छोटी थी। उसे औरतों के दर्द से ना ही फर्क पड़ता था, ना ही उसके मन में कोई सहानुभूति थी, और वहीं उम्र शादी की हो चली थी। सुनील, ऑफिस की क्या कोई लड़की पसंद है तुझे? अरे तुम भी ना माँ, कोई नहीं है। वही मैं कह रही थी कि होगी भी तो छोड़ने का वक्त आ गया था। एक लड़की है, जब मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ वो मंदिर में पूजा कर रही होती है, ऐसी ही संस्कारी बहू ढूंढ रही थी मैं,
अब बस उसके परिवार वालों से बात करके सब नक्की करना है। दोनों परिवारों में बातचीत हो जाती है। पुष्पा की चिकनी चुपड़ी बातों में कनिका के परिवार वाले आ जाते हैं और सुनील की शादी कनिका से हो जाती है और वो बहू बनकर उनके घर आ जाती है। घर की दहलीज पर ही कनिका को रोकती हुई पुष्पा कहती है, देखो बहू, अब तुम अपने घर की नहीं रही, इस घर की हो, तो तुम्हारे लिए वही सब सच होगा जो सुनील कहे और जो मैं कहूँ। इस घर के लोगों की बातें मानकर चलोगी तो जीवन स्वर्ग रहेगा, वरना तुम तो समझदार हो। गृह प्रवेश के वक्त ही ऐसे शब्दों से स्वागत होगा, कनिका ने ऐसा नहीं सोचा था। पुष्पा का हाव भाव तो शादी होते ही बिल्कुल खट्टा सा हो गया था। शादी के दूसरे दिन ही 6 बज गए हैं और तुमने अभी तक अपने पति का टिफिन तैयार नहीं किया है। फुर्सत है क्या ऐसे सात सिंगार से? लगता है मानो दुनिया में पहली बार कोई औरत दुल्हन बनी हो। कनिका जा टिफिन बना, और हाँ, कैरी छत पर रखी है, मैंने उसमें अच्छे से मसाला मिलाकर रख दिया है, और सुनील घर के बने पापड़ ही खाता है, तो वो भी बनाना मत भूलना, समझ गई? कनिका टिफिन बनाकर तैयार कर देती है और अपनी सास के बताए काम पर लग जाती है। दोपहर में 12 बज रहे थे, कनिका छत पर पापड़ सुखा रही थी कि अचानक ही, हे भगवान, इतना दर्द अचानक कमर में कैसे हो गया है? लगता है पहली बार एक साथ इतना काम कर लिया है, इसलिए होगा। तभी ऑफिस की एक फाइल लेने सुनील घर आ जाता है और कनिका को ढूंढता हुआ छत पर चला जाता है। अरे पागल लड़की, बुद्धि भ्रष्ट है क्या तेरी? पीरियड्स में पापड़ सुखा रही हो, ऊपर से कैरियों को भी देख लिया होगा तूने। ओ गॉड, माँ माँ ऊपर आओ, देखो अपनी बहू की करतूत। अरे करम जली, ये क्या, अपनी महावारी के दाग की प्रदर्शनी करने छत पर नाच रही है? मुझे पता ही नहीं चला माजी, मुझे माफ कर दीजिए। पूरे पापड़ काले पड़ जाएंगे, क्या खाएगा मेरा सुनील? अब जा नीचे जाकर नहा ले, अपने कपड़े अलग ही धोना, मैं काम वाली से कहकर तेरा इंतजाम करवाती हूँ। इंतजाम? कैसा इंतजाम माजी? तो क्या सुनील के साथ रहेगी ऐसे हाल में तू? छी माँ, इसके साथ इस हाल में मैं कभी नहीं। कनिका को 3 दिनों के लिए अलग कमरे में रखा जाता है, जहां वो जमीन पर सोती, अपना खाना उसी कमरे में एक चूल्हे पर बनाती। दर्द से कराहती कनिका पर सुनील को तरस भी नहीं आता। कभी नहीं सोचा था मैंने कि ऐसा पति और ससुराल मिलेगा। इस पीरियड्स के कारण मुझे अपवित्र समझा जा रहा है। हे भगवान, ये सब क्या है? कनिका पढ़ी लिखी शहर की लड़की थी, वो सभी तरह के नियमों को इज्जत तो देती थी, पर दकियानूसी बातों में विश्वास नहीं करती थी। पर इतने अत्याचारों को सहकर वो भी टूट गई थी। कुछ दिनों बाद कनिका को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, पर 3 महीनों में उसकी महावारी शुरू हो जाती है और उसका गर्भपात हो जाता है। इसके महावारी ने तो जीवन ही खराब कर दिया है, डॉक्टर ने कहा है ऐसा आगे भी हो सकता है। अरे तो मैं तेरी दूसरी शादी करवा दूंगी बेटा, टेंशन ना ले तू। पुष्पा सुनील के लिए लड़की देखना शुरू कर देती है और 3 महीनों बाद कनिका को पता चलता है कि वो फिर से माँ बनने वाली है। हे प्रभु, अब दोबारा अबॉर्शन में सह नहीं पाऊंगी। कनिका मंदिर भगवान से विनती करने जाती है, वहीं बाहर उसे एक साध्वी मिलती है जो काफी बूढ़ी हो चुकी थी। उसके पैर में चोट आने के कारण वो बहुत कष्टों में थी। हे प्रभु, घबराइए मत माँ जी, मैं अभी दवा लाकर देती हूँ आपको, सब ठीक हो जाएगा। कनिका उस साध्वी की पूरे मन से सेवा करती है और वो रोज उसे खाना भी देती और उसके घाव पर मलहम लगाती। घाव जब भर जाता है तो वो कहती है, ये सेब आज रात को तू खाकर सो जाना, जिस चीज का डर था वो अब नहीं होगा, चिंता मत कर बेटा। कनिका आधे सेब को खाकर फ्रिज में रख देती है और सोने चली जाती है। रात को सुनील आधे बचे हुए सेब को खा लेता है और अगली सुबह, माँ मेरा पेट, मेरी कमर। पुष्पा भागकर कमरे में आती है और दर्द से कराहते अपने बेटे को देखकर चौंक जाती है। तभी उसकी नजर बिस्तर की चादर पर लगे खून के दाग पर पड़ती है। अरे ये क्या है, तुझे क्या हुआ बेटा, और तेरे पैंट में भी ये खून लगा है, ये सब क्या हो गया है? डॉक्टर से सुनील कंसल्ट करता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसे
पीरियड्स हुए हैं। मैं मर तो नहीं जाऊंगा डॉक्टर साहब। नहीं नहीं सुनील जी, ऐसे दर्द से तो औरतें हर महीने गुजरती हैं। आपको पीरियड्स हुए हैं, थोड़ा अनयूजुअल है, बट भगवान का दिया शरीर खुद में ही एक मिस्ट्री है। दर्द से सुनील का शरीर टूटने लगता है और वो ऑफिस नहीं जा पाता। उसी रात उसे बॉस का कॉल आता है। आज तुम आए नहीं, कल अगर नहीं आए तो जॉब से तुम्हें निकाल दूंगा मैं, समझे? पीरियड्स में कैसे जाए कोई ऑफिस? इस बॉस को जरा भी दया नहीं है। अरे कनिका यार, ये स्टेन हर जगह लग जा रहे हैं। अरे आप आराम कीजिए, मैं हॉट बैग लेकर आती हूँ और पैड भी, फिर दाग नहीं लगेगा। कनिका सुनील की बहुत केयर करती है और उसे सुला देती है। अगली सुबह, अगर कनिका ने हॉट बैग से सिकाई नहीं की होती तो पता नहीं रात कैसे काटता मैं। तभी उसकी नजर बेडशीट पर पड़ती है। ओह गॉड, फिर से बेडशीट पर स्टेन लग गए। लग गया तो लग गया, मैं धो दूंगी, आप तैयार हो जाइए, ऑफिस जाना है आपको। औरतें कैसे झेलती हैं ये सब, इतना चिड़चिड़ापन, मैं क्या करूं? बड़ी मुश्किल से पैरों को फैलाए सुनील ऑफिस में सबके सामने जाता है, जिसे देखकर सबकी हंसी छूट जाती है। कल ऑफिस नहीं आया और आज चाल बदल गई, हाँ बवासीर हो गया है क्या? सुनील की नजरें झुक जाती हैं। दर्द में कराहता हुआ वो किसी तरह सब कुछ मैनेज कर रहा होता है कि तभी उसे लीकेज हो जाती है, जिसे देख प्रभा भागकर उसे अपने दुपट्टे से कवर कर लेती है। तुम्हारी पैंट पर ब्लड स्टेन है यार, तुम बाथरूम में जाओ। मैं इसी लायक हूँ प्रभा, मुझे पीरियड्स हुए हैं। मैंने तुम लोगों का दर्द नहीं समझा, उसी की सजा है ये। प्रभा के साथ साथ ऑफिस की सभी लड़कियां सुनील का काम खुद कर देती हैं और उसे घर भेज देती हैं। ये सब देखकर सुनील का मन भर आता है और वो अपनी माँ से कहता है, मैं बहुत गलत था माँ, बहुत गलत। माँ तूने मुझे अलग कमरे में क्यों नहीं सुलाया? मैं भी तो अछूत हूँ ना, कनिका को भी घिन आती होगी मुझसे। नहीं जी, अब मुझे बच्चा होगा। एक साध्वी जी मिली थी, उन्होंने एक सेब दिया था जिससे मेरा पीरियड्स रुक गया, जबकि मैंने उसे बस आधा ही खाया था। और मेरा शुरू हो गया क्योंकि आधा मैंने खाया था। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। वही साध्वी वहाँ कनिका की तबीयत पूछने आई होती है, जिसे देख सुनील और कनिका उसके पैरों पर गिर जाते हैं और सब लोग सुनील को ठीक करने की विनती करते हैं। ईश्वर भी ना बड़े खेल खेलता है, ये लो ये आम, इसे तुम खाना सुनील, सब अच्छा हो जाएगा बेटा। सुनील उस आम को खाकर पहले की तरह ही ठीक हो जाता है, पर उसे अब एहसास हो चुका था कि पीरियड्स एक मजाक नहीं है और साथ ही वो औरतों की इज्जत करना भी सीख गया था। दोस्तों आ गए आप, आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। कपूर टीवी।